This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इट्स हॉट के इस खास प्रोग्राम में। हम आज आपको ले चल रहे हैं वाटिका इन्फोटेक सिटी जयपुर। 600 एकड़ में फैली ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप अपने आप में एक शहर है जो जयपुर के काफी नजदीक अजमेर रोड पर है। लेकिन इस टाउनशिप की सैर करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अजमेर रोड प्रॉपर्टी बाजार पर, ये समझने के लिए कि इस ग्रोथ कॉरिडोर से इतनी उम्मीदें क्यों हैं। शाही अतीत ने आज भी गुलाबी शहर को रंगीन बनाया हुआ है, लेकिन अब ये सिर्फ सैलानियों के देखने का शहर नहीं बल्कि उभरता हुआ कारोबार का केंद्र भी बन गया है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे नेटवर्क इससे होकर गुजरता है और देश की राजधानी से नजदीकी की वजह से जयपुर शहर में और उसके आसपास विकास के रास्ते खुल गए हैं। विकास का ऐसा ही एक कॉरिडोर जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे है, जो अजमेर रोड के नाम से भी जाना जाता है। मुनासिब दामों वाले बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों और जयपुर के करीब होने की वजह से कई रियल एस्टेट कंपनियां अजमेर रोड पर अपने प्रोजेक्ट बना रही हैं। अजमेर रोड ही सबसे ज्यादा डेवलप हो रही है। ये एक तो 8 लेन हाईवे है, जब आप आए आपने देखा होगा। प्लस यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी पे अभी रिंग रोड का काम शुरू हो गया है, सो कन्वीनियंस वाइज काफी अच्छा हो जाएगा। प्लस यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है किशनगढ़ में। उसके अलावा जो यहाँ के जितने भी अच्छे और लोकल डेवलपर्स हैं, तो उन सब का प्रोजेक्ट यहाँ पे है। इस इलाके में पहले ज्यादातर प्लॉट बिकते थे, लेकिन अब यहाँ भी हाई राइज अपार्टमेंट्स और लग्जरी विलास बिकने लगे हैं। अजमेर रोड पर लगभग 36 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कुल 9,200 मकान हैं। वाटिका इन्फोटेक सिटी, अम्रपाली हाईटेक सिटी और ओमैक सिटी जैसी इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स पर निवेशक काफी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ के मकानों के औसत दाम 2,790 रुपए प्रति वर्ग फुट हैं। अजमेर रोड पर हुए निवेश पर 2011 की पहली छमाही से अब तक 30% की बढ़त देखी गई है। अजमेर रोड पर रियल एस्टेट के विकास को बढ़ावा देने में अहम योगदान महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है। And the icing on the cake is कि यहाँ पे महिंद्रा SEZ जो आ रहा है ऑलरेडी फंक्शनल है 3000 एकड़ में, जिसमें कि सब नामी जो कंपनीज हैं, जैसे आपका JCB कंपनी हो गई, इन्फोसिस, ICICI, डियोशे बैंक, ये सब ऑलरेडी फंक्शनल है। और इन नियर फ्यूचर में कोई 10,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल यहाँ पे काम करेंगे। और अच्छी बात ये है कि उनमें से कई लोग हमारे इस टाउनशिप में रहेंगे। इस इंटीग्रेटेड बिजनेस सिटी में कंपनियों को विकसित जमीन के टुकड़ों पर पूरी सुविधाएं मिलती हैं। इसमें ऑलरेडी करीब 2000 एकड़ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है। इसमें हमारे 3 SEZs ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, IT/ITES के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए और इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भी ऑपरेशनल हो गया है। करेंटली इन चारों इंडस्ट्रियल एरिया में मिलाकर करीब 50 से ऊपर कंपनीज ऑलरेडी हमारे क्लाइंट के लिए साइन अप कर चुकी हैं। विकास के इस गलियारे में रोजगार की काफी संभावनाएं तो दिखती ही हैं। यहाँ बुनियादी सहूलियतों में भी अहम विकास का प्रस्ताव है। जयपुर अजमेर रोड दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के असर वाले क्षेत्र में आएगा। पड़ोस की शाहजहानपुर, नीमराना और भैरोड बेल्ट को भी 40,000 एकड़ की ग्लोबल सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण अजमेर रोड के पास एक बहुत बड़ी आवास योजना शुरू कर रही है। अजमेर रोड पर ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से भारत की पहली डबल स्टोरी एलिवेटेड सड़क और मेट्रो ट्रैक प्रोजेक्ट बनवाने की योजना है। पहले सिर्फ पर्यटन और जेवरात जैसे उद्योग पर गुजारा करने वाला जयपुर शहर आहिस्ता आहिस्ता सर्विस सेक्टर, खासकर हॉस्पिटैलिटी, मेडिसिन और IT/ITES में भी अपने पाँव पसार रहा है। जाहिर है नौजवान पेशेवर लोगों को अपने तर्ज के घर चाहिए और इससे आधुनिक घरों की मांग बढ़ी है। बजट, लोकेशन और भविष्य में मुनाफे की गुंजाइश, अजमेर रोड हर कसौटी पर कमर्शियल और रिहायशी रियल एस्टेट दोनों में खरा उतरता है।
वाटिका इन्फोटेक सिटी कोई आम टाउनशिप से कम नहीं है। सुविधाओं का पिटारा लिए हुए यहाँ के अनोखे और मॉडर्न घर जयपुर के उभरते हुए नए खरीदारों के लिए खजाने से कम नहीं। वाटिका इन्फोटेक सिटी में हर छोटी से छोटी चीज बहुत ध्यान से बनाई गई है और आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा गया है। बहुत से परिवार यहाँ आकर बस चुके हैं, आइए देखते हैं कि वो क्या कारण है जिससे इन लोगों को अपने आशियाने पर नाज है। जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पर राजस्थान की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप वाटिका इन्फोटेक सिटी ने इस इलाके में रियल एस्टेट के नए पैमाने तय किए हैं। 600 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई वाटिका इन्फोटेक सिटी पूरे समुदायों का ठिकाना है, जहां उम्मीद है कि 40,000 लोग अपने घर बसाएंगे। अपार्टमेंट्स, रो हाउसेस, प्लॉट्स और विलास, यानी आपकी पसंद जो भी हो वो घर आपको यहाँ मिलेंगे। कॉमर्स, मनोरंजन और शिक्षा के केंद्र इस टाउनशिप में रंग भर देते हैं। वाटिका इन्फोटेक सिटी अजमेर एक्सप्रेसवे पर बन रहा है, जो देश की प्राइम निवेश बेल्ट है। सटा हुआ महिंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इस टाउनशिप से जयपुर बस 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और जयपुर की एमआई रोड भी 18 से 20 किलोमीटर के फासले पर है और स्कूल और अस्पताल भी काफी नजदीक हैं। इसका मास्टर प्लान न्यूयॉर्क के अवार्ड विनिंग स्टूडियो U+A ने बनाया है। टाउनशिप इस तरीके से डिजाइन की गई है जिससे यहाँ के रहने वालों को एक समाज, एक बिरादरी में रहने का एहसास हो। सड़कों के आर्किटेक्चर पर बहुत ध्यान दिया गया है। अंदरूनी सड़कें भी कम से कम 40 फुट चौड़ी हैं। दुरुस्त ट्रैफिक मैनेजमेंट और पैदल चलने की जगहों के चलते ये एक ऐसी नगरी है जहां चहलकदमी का मजा उठाया जा सकता है। वाटिका इन्फोटेक सिटी की खूबी ये भी है कि यहां सारी सुविधाएं आपका इंतजार कर रही हैं। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो टॉप क्लास है। जैसे कि आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्विस ऊपर नजर नहीं आएगी, आप देख लीजिए बेशक। और सारा अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, प्लस हमारा सीवरेज सिस्टम बहुत एफिशिएंट है। हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी प्रावधान किया हुआ है और एक तो ऑलरेडी फंक्शनल है, जिससे हमारी हॉर्टिकल्चर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पूरी हो जाती हैं, के पानी से पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा हमारा ड्यूल प्लम्बिंग सिस्टम है, यानी कि एक लाइन फ्रेश वाटर के लिए और एक ट्रीटेड वाटर के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेश वाटर की, तो इसको हमने एक फ्यूचरिस्टिक सिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया गया है, सोलर सिस्टम का प्रावधान है, विच इज इको फ्रेंडली, तो आप कह सकते हो ये एक तरह की ग्रीन सिटी है। वाटिका इन्फोटेक सिटी जयपुर में खामोशी और हरियाली भी मिलेगी। वाटिका ग्रुप की टीम बड़ी मेहनत और सलीके से छोटे पार्कों के अलावा 22 एकड़ के सेंट्रल पार्क की भी देखभाल करते हैं। हमारे इस पूरी टाउनशिप में 50 एकड़ से भी ज़्यादा ग्रीन एरिया है, जिसमें 12 से भी ज़्यादा हमारे पार्क्स हैं। और सबसे बड़ा पार्क मैं कह सकता हूँ जयपुर में नंबर 1 और 2 होगा, इस हमारा सेंट्रल पार्क जो कि 22 एकड़ में फैला गया हुआ है। उसके साथ हमने एक स्पोर्ट जोन का भी उसमें अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसमें हर टाइप की आप वॉलीबॉल हो गया, फुट अपना टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट पिच प्रैक्टिस एरिया, प्लस स्केटिंग रिंग, सब उसके अंदर इंक्लूडेड है। वाटिका इन्फोटेक सिटी बनाने के पीछे मकसद है कि सारी सहूलतें रहने वालों के करीब हों। टाउनशिप में 28 एकड़ सिर्फ ऐसी सुविधाओं के लिए ही है। जयपुर विकास प्राधिकरण इस जगह पर थाना, दमकल केंद्र, पोस्ट ऑफिस, धार्मिक स्थान और प्राथमिक स्कूल बनाएगा। वाटिका इन्फोटेक सिटी में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी बनेगा। इसके अलावा 8 नर्सिंग होम और 2 डिस्पेंसरीज भी खुलेंगी। रोजमर्रा की खरीदारी के लिए किराने की दुकानें रिहायशी प्रोजेक्ट्स के नजदीक होंगी। एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी बनेगा, जिसमें दुकानें, दफ्तर और एक 5-स्टार होटल भी होगा। हमारा 40 एकड़ का हमने ऑलरेडी कमर्शियल ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, जिसमें इंटरटेनमेंट जोन, मॉल, अपना रिटेल शॉप, ऑफिस स्पेस, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं और कई तो हमारा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में भी हैं, हमारा अपना कमर्शियल जोन। सो ये एक रीज़न है कि एक सिटी इन इटसेल्फ। बच्चों के लिए नामी मिलेनियम स्कूल टाउनशिप में खुल गया है। मणिपाल यूनिवर्सिटी ने भी अपना कैंपस टाउनशिप के नजदीक ही खोला है। पूरी टाउनशिप में ब्रॉडबैंड केबल का जाल बिछाया गया है, जिससे सभी घरों में कनेक्शन है।
रिहायशी प्रोजेक्ट्स के अपने कम्युनिटी सेंटर्स में जिम्नेजियम और पूल जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। लेकिन वाटिका इंफोटेक सिटी जयपुर की सबसे बड़ी संपत्ति यहाँ पर रहने वाले खुशहाल लोग हैं, जिनकी बिरादरी में इजाफा होता जा रहा है। एनवायरनमेंट के पॉइंट से है ना, दिस इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और दूसरी चीज़ ये थी मेरे दिमाग के अंदर कि मुझे वहाँ पे रहना है जहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं हो, और यहाँ पे है ना ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। और हमारे जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायरमेंट होने के बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे लिए होता है कि सर्विस टू द कस्टमर्स आफ्टर सेल्स। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे ढंग से केयर की जाती है और हम लोग बहुत ही खुश हैं एक फैमिली की तरह। और सबसे जो ओल्ड एज में एक जो रिक्वायरमेंट होता है सिक्योरिटी, तो यहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि हम 3-3 महीने के लिए यहाँ से बाहर लंदन वगैरह अपने बच्चों के पास जाते हैं तो भी हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ग्रीनरी है, नीटनेस, अच्छी सड़कें हैं। मैं मॉर्निंग वॉक की बहुत शौकीन हूँ, इवनिंग मॉर्निंग दोनों वॉक करती हूँ। तो मुझे जैसे लगता है कि अच्छी सड़कें, जो क्लाइमेट, जो एनवायरनमेंट और जो चाहते थे वो हमें यहाँ मिला है। और नो डाउट जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा अभी कि सिक्योरिटी प्लस जो फैसिलिटीज़ एक सीनियर सिटीजन को चाहिए होती हैं वो सब हमें यहाँ मिल रही हैं। रियली वी आर मतलब खुश है, हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे। इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम लोग तो जब पहले दिल्ली में थे तो हम सोचते थे पता नहीं यहाँ आ रहे हैं, यहाँ मन लगेगा नहीं लगेगा, एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो हमें काफ़ी अच्छा एटमोसफियर लगा। पीपल आर सो अफेक्शनेट, हेल्पफुल। तो यहाँ शाम को भी क्लब में अपना मीटिंग वगैरह हो जाती है, गार्डन में बैठते हैं, बात करते हैं। और यहाँ अब तो फूड वगैरह की भी फैसिलिटी है, पहले वैन वगैरह का था लेकिन अब तो वैन आती है, फूड्स वेजिटेबल भी फ्रेश मिल जाती हैं। तो लाइफ इज़ वेरी इजी गोइंग, स्पेशली फॉर सीनियर पीपल लाइक अस, सो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। वाटिका इंफोटेक सिटी जयपुर का मंत्र सामाजिक मूल्यों को बरकरार रखना और दोस्ती कायम करना है, जो इस टाउनशिप में हर तरफ देखा जा सकता है। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन उसके बाद आपको दिखाएंगे कि वाटिका इंफोटेक सिटी जयपुर को क्या बातें बनाती हैं खास।